अरे अरे अरे, रास्ते में बैठी हुई है। अभी हम बात ही कर रहे थे कि हमें पंखे की जरूरत है, तो हवा देखो अपने आप चलने लगी। वहाँ से मिले ये लेके आए हैं मेलू का गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये नौगोखाल में ही है, यहाँ पे ऊपर नौगोखाल है, नीचे आके हॉस्पिटल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल करिश्मा बेस्ट। मैं करिश्मा, देवभूमि उत्तराखंड से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम मस्त चकाचक होंगे मेरी तरह। और अभी आज मुझे फिर से नौगोखाल जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जा रही हूँ थोड़ा डॉक्टर के पास। एक्चुअली क्या हो रहा है कि काफ़ी टाइम से मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मेरी इस साइड ना, राइट साइड वाले पैर की ना नस है किनारे से, बहुत दर्द कर रही है। तो कुछ टाइम पहले मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा चलो हो जाएगा ठीक खुद से ही। बट अब परसों क्या हुआ कि मैं बिल्कुल उठ ही नहीं पाई, रोने बैठ गई थी, इतना दर्द हुआ। तो मम्मी ने कहा कि दिखा के आ जाओ क्या प्रॉब्लम है। और अभी जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही, तो अभी भी ऐसे नस में ना दर्द कर रहा है वो। तो इसलिए मैंने कहा जाना ज़रूरी है, नहीं तो मैं मतलब जो काम फिर जो मैं 5 मिनट में करती ना, आधा घंटा लग रहा है उसमें इसलिए। और रात में तो बिल्कुल लेटा नहीं जा रहा सीधा, मैंने कहा ज़रूरी है जाना। तो देखते हैं नौगोखाल में डॉक्टर मिलता है तो जा लेंगे, नहीं तो फिर सतपुली जाना पड़ेगा। और अगर कुछ नहीं होगा तो फिर उसके बाद देहरादून जाऊँगी, तो तभी एक्सरे वगैरह अच्छे से करवा के देखूँगी क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा थोड़ा होता था मुझे पहले, बट ऐसा होता था ना कि अगर मैं कभी बाल्टी उठा लेती थी एकदम से भरी हुई, तो तब थोड़ा जैसे नस नहीं पड़ती उस टाइप से होता था। बट अभी इतना ज़्यादा कभी नहीं हुआ, अभी हो रहा है इधर। तो मैंने कहा दिखाना ज़रूरी हो गया अब, तो अभी जाते हैं उधर, देखते हैं डॉक्टर मिलते हैं नहीं, क्योंकि इधर तो ये भी प्रॉब्लम है कि कभी डॉक्टर ही नहीं मिलते। देखते हैं क्या होता है। मिस्टर जी चेक कर रहे हैं टायर, परसों टायर पंचर हुआ था ना, तो चेक कर रहे कि कहीं दोबारा से ना हो जाए, वही प्रॉब्लम ना हो। चले हाय। आज ये थोड़ा जल्दी आने के चक्कर में इस कच्चे रास्ते से आए हैं, तो आज यहाँ से जा रहे हैं हम लोग ग्वाड़ वाले रास्ते से। ये है दोस्तों वो रास्ता जहाँ से अगर हम आते तो लगभग 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, और हम आए हैं इधर से, तो अब ये जाएगा सीधा नौगोखाल आगे को। तो यहाँ से मतलब हमको पंद्रह से बीस मिनट बचे हैं, और अगर रोड सही होती तो यही रास्ता हमको आधा घंटा पहले पहुँचा देता। मैंने ये लगा रखा है तो इग्नोर करिए। अभी हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं जंडा देवी चौक में, क्योंकि परसों टायर जहाँ पे हमने सही करवाया था वहीं पे इसको चेक करवाएंगे कि वो सही से लगाया या नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद से लगाया था तो उसमें क्या पता थोड़ा सा नेट ढीले हो, तो उसको टाइट करवाने के लिए चेक करवा रहे हैं। दोस्तों गाड़ी के टायर तो अभी ठीक हो गए हैं, अब बारी है अपने टायर सही करवाने की, अपनी स्पीड बढ़वाएंगे। तो मिलते हैं आपको हॉस्पिटल में। ये है दोस्तों यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये नौगोखाल में ही है, यहाँ पे ऊपर नौगोखाल है, नीचे आके हॉस्पिटल है। और डॉक्टर मुझे काफ़ी अच्छे लगे, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया, लेडी थी तो उन्होंने दवाइयाँ दी अभी, और कहा है कि एक्सरे करवाना पड़ेगा जो कि सतपुली में होता है, तो एक्सरे करवा के थोड़ा अच्छे से पता चल पाएगा कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि क्या पता कुछ हार्मोनल चेंजेस वगैरह होता है तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, तो आपको एक बार एक्सरे करवाना ज़रूरी है। तो इसलिए अब सतपुली भी जाना पड़ेगा, देखते हैं कब जाते हैं। फिलहाल अभी थोड़ा सा सामान भी ले लेते हैं जब यहाँ तक आ गए हैं। अरे 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 अरे, रास्ते में बैठी हुई है। हाय बकरियाँ। वैसे कुछ भी हो बट पहाड़ों में रास्ते में चलने का मज़ा ही कुछ और होता है। आसपास ग्रीनरी ग्रीनरी, पेड़ ही पेड़ होते हैं, ठंडी हवा चल रही होती है, धूप का कुछ एहसास नहीं होता। और दूसरा ट्रैफिक का भी कोई वो नहीं होता है, एक दो गाड़ियां मिलेंगी आपको, ज्यादा नहीं मिलेंगी, तो अच्छा लगता है मुझे सफर। आ जा रहे हो? घर पे जा रहे हैं। बाय बाय। हो गया तुम्हारा टाइम जाने का? बाजी बाजी। बाय। नीचे मिलते हैं, नीचे रोड पे। पहुंच गए हम लोग इधर अपनी रोड के पास, तो बच्चे जा रहे हैं घर को, और उनका टाइम भी इसी समय होता है घर आने का। हम लोग घर पहुंच गए हैं, और अभी मुँह हाथ नहीं धोया, अभी हाथ पैर धोएंगे, तो खाना खाएंगे। मेरा तो मन नहीं है खाना खाने का,
और मम्मी छत में है तो अभी मिलते हैं आपको छत में। अभी दोस्तों लगभग दिन के बज रहे हैं 3 और मैं आई हूँ छत में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि मम्मी ने किस तरह से घास लगाई हुई है। तो आजकल यहाँ पे घास का ही टाइम चल रहा है, घास लेके आना, पलकुन लगाना, यही सब चल रहा है। और दिन में मैं थोड़ा छाँव में खड़ी हूँ क्योंकि धूप में मुझे स्क्रीन का पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मम्मी क्या कर रहे हैं। ये देखिए मम्मी निकाल रहे हैं गात, गात की दाल अलग कर रहे हैं उससे। और इसको मम्मी ने लगभग झाड़ दिया है पूरा, थोड़ा बहुत बचा होगा। अभी हवा से उसको थोड़ा सा अलग कर रहे हैं कबाड़। और हवा भी देखो कितनी अच्छी चल रही है इस टाइम पे, जिस टाइम पे ज़रूरत थी मम्मी को। अभी हम बात ही कर रहे थे कि हमें पंखे की ज़रूरत है, तो हवा देखो अपने आप चलने लगी। और ये जब दी आ रखी थी देहरादून से, तो मम्मी उनके साथ निकाल के लाए जब बीच में 2-3 दिन बारिश हो रही थी, तो उस टाइम पे मम्मी और दी दोनों लेकर आए थे घास, क्योंकि ला नहीं पा रहे थे। तो उस टाइम पे मम्मी ये दाल वगैरह निकाल के ला गए थे। और अभी ये सूख गई है तो इसको अलग कर रहे हैं। और आजकल ठंडा काफ़ी हो गया है, सुबह शाम काफ़ी ठंडा रहता है। तो मेरी स्वेटर का तो बिल्कुल फेस नहीं चढ़ रहा था, तो मैंने मनु जी की वो पहन ली है हुड। ये काफ़ी गर्म हो रहा है और अभी धूप भी है तो इसमें थोड़ा सा गर्म भी लग रहा है, बट मैं इसे उतारूंगी नहीं क्योंकि हल्का अभी शाम 3 बज गए, 4 बजे के आसपास यहाँ पे हवा चलने लगती है तो ठंडा हो जाता है मौसम इसके लिए। टाइम पे आप देख सकते हैं कि दादी लोग, बाकी नीचे घरों में भी सब ने ऐसे ही अपनी मिर्चें वगैरह, दाल वगैरह सुखाने रखी है छत में। छत में आजकल गांव में यही चीज़ें मिलेगी देखने को आपको, दाल, घास, मिर्चें वगैरह सूखने के लिए रखी रहती है। इसमें जो नीचे नीचे दाने हैं इनको मैं कर रही हूँ अलग, और इस घास को कर रही हूँ अलग। इसमें अभी 1-2 बारी की और होगी, तो फिलहाल इसको अभी अलग रख देते ताकि ये और सूखे। और ये दाने अगर बारिश हुई तो ये ना भीगे, तो इनको अलग किया जा रहा है। मम्मी लगभग इसकी कुटाई करके गई थी तो थोड़ा बहुत जो दाल निकलनी थी अभी निकली इससे, बाकी इसको 2-3 दिन के लिए और रखेंगे। अगर कुछ बची होगी तो वो भी निकल जाएगी। और जो कबाड़ था वो मैंने एक्स्ट्रा साइड कर दिया है, और दाल अभी इससे इतनी निकली है दोस्तों। और मम्मी और मनु चले गए हैं घास के लिए, क्योंकि उनको घास के लिए जाना था, तो मैंने कहा आप चले जाओ, मैं इसको फ़िलहाल तब तक के लिए कर दूँगी। हम इतनी दाल लेके चलते हैं नीचे, इसमें अभी कबाड़ काफ़ी है तो इसको कभी फुर्सत से साफ़ करेंगे। फ़िलहाल जो बड़ा बड़ा था वो हमने निकाल लिया है। तो अभी मिस्टर जी गए थे मम्मी के साथ घास लेने के लिए, और ये देखिए वहाँ से मेरे लिए ये लेके आए हैं मेलू। मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था ना, उस टाइम पे कच्चे थे, तो अभी मेरे लिए लेके आई है थोड़ा सा। ये देखिए, तो अभी इनको टेस्ट करते हैं ये कैसे होता है। आज मैं फर्स्ट टाइम देखूँगी कि ये कैसा होता है। बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। खट्टा, हल्का मीठा, खट्टापन ज़्यादा लग रहा है इसमें। मज़ा भी आ रहा है बहुत। आप लोग भी खाएंगे, आपके लिए नया लाती हूँ। तो शाम की चाय भी तैयार हो गई है और मम्मी शाम की सब्जी की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ से 6 मई निकाल रहे हैं, ऊपर है ना पेड़ पे तो निकल नहीं रही है, तो डंडे से निकालनी पड़ेगी जो सबसे टॉप में है। देखते हैं कैसे निकलेगी। बाकी आज हम 6 मई ही बनाएंगे। थोड़े से परमल मिलेंगे तो परमल भी उसके साथ मिक्स करके बना देंगे, दोनों की मिक्स करके सब्जी। इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं एंड करते हैं दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।